हम बात कर रहे हैं अंबुजा सीमेंट की। लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो हमको 1% के ऊपर की गिरावट के साथ स्टॉक में क्लोजिंग देखने के लिए मिली है। इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि स्टॉक 520 के लेवल से बाउंस बैक होता हुआ नज़र आ रहा है और हमको यहाँ हायर हाई पैटर्न देखने के लिए मिल रहा था। और तो हमने डिस्कस किया था कि स्टॉक 540 के लेवल को ब्रेकआउट करता हुआ नज़र आ सकता है, इस बाउंस बैक के साथ 540 के लेवल को ब्रेकआउट दे सकता है। हम देख सकते हैं स्टॉक ने 540 के लेवल को ब्रेकआउट दिया भी, 544 तक के टारगेट दिखाए, लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया। अगेन वहाँ से हमको सेलिंग देखने के लिए मिल रही है और इस सेलिंग के बाद हम देख सकते हैं स्टॉक अपने सपोर्ट जोन पर ही सपोर्ट लेता हुआ हमको नज़र आ रहा है। जब गिरावट आई इस पर 530 के आसपास ही सपोर्ट लिया, अगेन 530 के सपोर्ट से ही हमको छोटी मोटी रिकवरी देखने के लिए मिली है। इमीडिएट सपोर्ट का काम करने वाला है 530 का लेवल, इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा। हम देख सकते हैं इसी लेवल पर हमको मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेता हुआ स्टॉक नज़र आ रहा है 530 का लेवल। इसको ब्रेक डाउन कर जाता है तो नेक्स्ट सपोर्ट बनने वाला है 524 का लेवल। और स्टॉक जब तक इस लो यानी 520 के ऊपर है तब तक बड़ी गिरावट नज़र आना मुश्किल है। इसके तगड़े और इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा 520 के लेवल को ब्रेक डाउन करने का मतलब है हमको 500 तक की भी गिरावट फिर अंबुजा सीमेंट में देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन जिस तरह से चार्ट पैटर्न बता रहा है हायर है, यहाँ से डीप आया है, अगेन स्टॉक बाउंस बैक होकर इस हाई को ब्रेकआउट देता हुआ नज़र आ सकता है। बात करते हैं टारगेट के, तो इमीडिएट टारगेट रहेगा 540 का लेवल। 540 के लेवल को ब्रेकआउट कर गया तो ये जो इसका हाई 544 तक का जंप देखने के लिए मिल सकता है। अगर यहाँ से हमको सेलिंग प्रेशर बड़ा देखने के लिए नहीं मिलता, बड़ी सेलिंग देखने के लिए नहीं मिलती, तो इसको भी ब्रेकआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। अगर इसको हाई को ब्रेकआउट कर गया तो वैसे कंडीशन में हमको 560 तक के भी टारगेट शॉर्ट टर्म में ही अंबुजा सीमेंट में देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो। वीडियो जो है एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय और सेल की सलाह नहीं है।